मेरे बचपन की बात है उम्र थी कोई आठ नौ साल मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो एक बड़ी बी खड़ी थी मुझे कहने लगी बेटा इधर आओ उनकी गोद में बच्चा था रो रहा था कहने लेंगे इसको दुरूद पढ़ के दम करो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा दम किया मैंने पूछा इससे क्या होगा कहने लगी कि बच्चा ठीक हो जाएगा अभी ये सारे नेक लोग मस्जिद के अंदर है जब ये सारे बाहर आएंगे तो इस बच्चे पे दुरूद पढ़ के दम करेंगे ये बच्चा ठीक हो जाएगा और वाकई बच्चे ठीक हो जाते आज जो लाइने है चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बाहर लगी होती हैं बच्चों को लेकर लोग बैठे होते हैं पहले ये लाइनें हमारे बचपन में मस्जिद के बाहर हुआ करती है मग़रब की नमाज के बाद लाइन लगी होती जिनके बच्चे बीमार होते लोग निकलते दम करते बच्चे ठीक हो जाते क्यों जब मैंने इस पे गौर किया कि ऐसा क्यों हुआ मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास बचपन में गया हमारे दौर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं तो उसकी वजह क्या थी वजह ये थी कि लोग तकसीम करते थे घर में थोड़ा सा सालन पकता लेकिन पड़ोस में थोड़ा सा जरूर भेजा जाता घर छोटे थे लेकिन दिल कुछ थे मेहमान आ जाते तो लोग एडजस्ट कर लेते थे हम देखते हैं कि लोग तकसीम करते थे ऐसा क्यों होता था कि सुकून क्यों था इतमान क्यों था लोग बीमार कम होते थे वजह क्या थी वजह ये थी कि लोग तकसीम करते थे जुमेरात होती कोई रेवड़ियां बांट रहा है कोई जलेबियां बांट रहा है कोई मीठे चावल पका के तकसीम कर रहा है अरे तकसीम करते थे सब्जी लेने जाओ तो सब्जी देने वाला सब्जी देने के बाद थोड़ा सा धनिया पुदीना थोड़ी मिर्चे वैसे ही डाल देता था गोश्त वाला गोश्त तोलने के बाद एक हड्डी एक बोटी वैसे एक्स्ट्रा दे देता था चावल वाला थोड़ा चावल ज्यादा डाल देता दाल देने वाला दाल थोड़ी डाल देता होटल में ग्रेवी अलग से मिल जाती थी अब सब कुछ कमर्शियल हो गया आधा किलो किसी से मांगो तो वो चार सौ ग्राम देता है अगर किसी से एक पाव मांगो तो दो सौ ग्राम मिलता है हर चीज कमर्शियल हो गई है याद रखिए अगर आप खाना तकसीम करेंगे आपका खाना कभी कम नहीं आप किसी के लिए पानी का बंदोबस्त करेंगे जहां पानी नहीं है पानी का इंतजाम करें आपके घर का पानी कभी कम नहीं हो अगर आप लोगों के लिए कपड़े का बंदोबस्त करते हैं सर्दी में लिहाज का बंदोबस्त करते हैं आपके घर की इज्जत चादर हमेशा महफूज रहेगी आपके तन के कपड़े कभी कम नहीं हो आप इल बाटें आपका इल्म बढ़ेगा जो चीज तकसीम करेंगे वो बढ़ती रहेगी याद रखिए जिस कुएं से लोग पानी निकालते रहते हैं उसमें ताजा पानी आता रहता है जहाँ लोग पानी निकालना छोड़ देते हैं जोहड़ बन जाता है काई जम जाती उस पानी में बदबू पैदा हो जाती जो माल तिजोरियां भर भर के रखते हैं और अल्लाह की राह में तकसीम नहीं करते वो माल यूं ही रह जाता है अचानक जब वो माल निकालने की बात आती है तो माल के साथ साथ साहिब माल भी निकल जाता है उस सदमे से देते रहें आता रहेगा आता रहेगा